शाहरुख खान की फिल्म जवान तूफानी कमाई की मशीन बन चुकी है। थिएटर में चौथा हफ्ता बिता रही इस फिल्म ने कमाई के तमाम बड़े रिकॉर्ड्स तो तोड़े ही हैं, लेकिन अभी भी ये फिल्म स्लो होने के मूड में नहीं है। चौथे हफ्ते में जहां इसके सामने थिएटर्स में पहुंची नई रिलीज स्ट्रगल कर रही है, वहीं शाहरुख की फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाए हुए है। 23 दिन में 587 करोड़ रुपए कमा चुकी जवान ने शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से तगड़ा जंप लिया। सबसे कमाऊ हिंदी फिल्म बन चुकी शाहरुख खान की ये फिल्म अभी भी रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से आगे बढ़ रही है और इसने एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा है जो पिछले 4 साल से लगातार सुरक्षित बचा हुआ था। चौथे शुक्रवार को शाहरुख की फिल्म ने 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई की थी। अब ट्रेड रिपोर्ट्स बताती है कि शनिवार को जवान की कमाई में एक बार फिर से तगड़ा जंप आया है। 24वें दिन की कमाई में 80% तक का जंप आया है। शनिवार को फिल्म ने 9 से 10 करोड़ रुपए के बीच कलेक्शन किया है। अब भारत में फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन करीब 596 करोड़ रुपए हो गया है। बॉक्स ऑफिस पर 24वें दिन सबसे ज्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड विक्की कौशल की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के नाम था। विक्की की फिल्म ने 24वें दिन 8.92 करोड़ रुपए कमाए थे। अब 4 साल बाद इसका रिकॉर्ड शाहरुख की इस फिल्म ने तोड़ दिया है। शाहरुख का स्टारडम इस साल एक नए लेवल पर पहुंच चुका है। तीनों खान सुपरस्टार्स में बॉक्स ऑफिस की लिमिट बढ़ाने में सबसे आगे आमिर खान रहे हैं। उन्होंने गजनी से बॉलीवुड में 100 करोड़ क्लब की शुरुआत की थी। 200 करोड़ क्लब आमिर की ही 3 इडियट्स ने शुरू किए थे और पीके से 300 करोड़ क्लब की शुरुआत हुई। हालांकि 100 से 200 और 300 करोड़ कमाने वाली सबसे ज्यादा फिल्में सलमान खान के नाम है। 2023 से पहले शाहरुख का स्टारडम बॉक्स ऑफिस पर इस तरह के बड़े बड़े लैंडमार्क में नहीं बदल पा रहा था। इस साल शाहरुख का स्टारडम अद्भुत लेवल पर चल रहा है। उनकी कमबैक फिल्म पठान ने बॉलीवुड के लिए पहली बार 400 करोड़ और 500 करोड़ क्लब के दरवाजे खोले। शाहरुख की लेटेस्ट फिल्म जवान उनकी पिछली फिल्म से भी पहले इन दरवाजों को पार कर गई। अब जवान के साथ शाहरुख 600 करोड़ क्लब शुरू कर रहे हैं। शनिवार की कमाई से जवान ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख की ही पिछली फिल्म पठान को भी पीछे छोड़ दिया है। पठान का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 1050 करोड़ रुपए था, जबकि 24 दिन के बाद जवान का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 1052 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। अभी बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म भी बन गई है। शनिवार तक 596 करोड़ रुपए कमा चुकी जवान रविवार की कमाई के बाद बड़े आराम से भारत में 600 करोड़ नेट कलेक्शन का विशाल आंकड़ा पार कर लेगी। इस शिखर पर पहुंचने वाली ये पहली बॉलीवुड फिल्म होगी। मात्र 25 दिन में भारत में 600 करोड़ कमा लेना किसी भी फिल्म के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि शाहरुख की फिल्म कितने दिन में 650 करोड़ तक पहुंचती है और इसका लाइफ टाइम कलेक्शन कहां तक जाता है।